पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ की है। पूर्व पीएम नवाज ने कहा, जहां पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा है तो वहीं भारत चांद पर पहुंच गया है। भारत ने G20 की शानदार मेजबानी कर दुनिया को अपनी ताकत का परिचय दिया। सोमवार को लंदन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के प्रत्याशियों की एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो नवाज ने ये बातें कही। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने 1990 में सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का पालन किया और आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नवाज शरीफ ने कहा कि जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उस समय केवल $1 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार था भारत के पास, लेकिन अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब हो गया है। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान एक देश से दूसरे देश बस भीख मांगते हुए रह गया। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए सेना के जनरल और कोर्ट के जज को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि अगर पीएमएलएन की गठबंधन सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचाया नहीं होता तो पेट्रोल अभी ₹1000 प्रति लीटर बिक रहा होता। आपको बता दें कि वर्तमान में पेट्रोल का दाम पाकिस्तानी रुपए में ₹330 प्रति लीटर मिल रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने और आने वाले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित हैं।